आपको ट्रेलर अच्छा लगा, शायद पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, वंस मोर वंस मोर, तो फिर से हम लगा सकते हैं वंस उन आवाजों के लिए। सुमित कॉल बाली पहले भी आप देख चुके हैं, अनामिका शुक्ला, पाखी, शिवान शिवान माथुर, अभी जो सुपर टैलेंटेड शिवान माथुर, शिवान ने म्यूजिक कंपोज किया है, प्रतीक्षा प्रतीक्षा श्रीवास्तव, जो गाने की जो आवाज है हमारी कंट्री में, अगर फिल्म में गाने ना हो तो फिल्म नहीं लगती, तो गानों को आवाज, गानों की आवाज प्रतीक्षा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवांग और प्रतीक्षा से कि आप गाने अगर यहाँ पर। I am extremely grateful to Sachin sir for giving this opportunity to me, and Pratiksha, you can carry on. थैंक यू सचिन सर, रियली थैंक यू। हम बिगिनर्स के लिए ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एंड श्वांग इज अ ग्रेट सिंगर एज वेल। क्यों तोड़ी तूने कांच की एक वो कली, ढूंढे है घर मुझे ढूंढे मेरी गली, क्यों आए ना नींदों में अब वो परी, ढूंढे मुझे वो माटी की गुड़िया मेरी, सुना पड़ा एक लम्हे घटते रहे हैं, मुट्ठियों से गिरते रहे, उंगलियों में पकड़े हैं यूं बर्बादियां, भीगी भीगी पलकें जली हैं, सहमी सहमी रातें चली, आंसुओं में चकड़े हैं यूं चिंगारियां, जिए ही क्यों सुलगी सांसे हैं, पुकारती चुप आवाजे हैं, आंखों में ही ख्वाबों की लाशें हैं, जला है दिल फिर भी बिखरे हैं अंधेरे सुमित कौल बाली इश्कबाजी नहीं धंधा होता है, आप धंधा इश्क कराने नहीं लाया तुझे आपने, पैसे देकर खरीदा है समझे। मैंने काफी प्लानिंग की थी, आई थॉट मैं काफी कुछ डिस्कस करने वाला था आप सबसे, मुझे लगता है कि ट्रेलर में आप काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ में। पाखी की जो कहानी है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक 10 साल की छोटी लड़की की कहानी है जिसकी शादी हो रही है एक 60 साल के इंसान के साथ में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम ने रिसर्च किया और बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ये फिल्म है पाखी, और बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता लगे इस फिल्म इस जर्नी के अंदर जब हमने ये फिल्म स्टार्ट की थी। जैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन रिसर्च टीम ने जब किया, इनफैक्ट हमारे एक्टर्स खुद, हमारे अनामिका ने, सुमित ने बहुत इंटेंसिव रिसर्च किया है, जैसे प्लांट्स को
केमिकल्स से केमिकल्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस सॉरी केमिकल्स सो हार्मोनल इंजेक्शंस आई थिंक बहुत इस ट्रैफिकिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग ब्रॉथल वहाँ पर बहुत मेजर वे में दिए जा रहे हैं यंग गर्ल्स को 8 साल की 9 साल की बच्चियों को सो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था ऐसे बहुत से फैक्ट्स पता लगे किस तरह से एक लाइक छोटे छोटे टाउन से आते हैं पेरेंट्स और 5,000 रुपये में 3,000-3,000 रुपये में अपने बच्चों को बेच के चले जाते हैं ऐसे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमने बाकी में दिखाने की कोशिश की हाईलाइट किया है कोशिश है कि वो जो एक मैसेज नहीं मैं बोलूँगा बट हाँ कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं बाकी में आई होप आपको जब आप देखने जाएंगे तो आपको पसंद आएगी नामिका जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा और यू गेव अ राउंड ऑफ अप्लॉज बहुत अच्छा लगा जैसे सचिन जी ने भी बोला कि ये जो मूवी की जर्नी है ये बहुत ही इमोशनल रही है बहुत कुछ सीखा हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया बहुत कुछ रिसर्च वर्क भी किया है हमने एंड आई थिंक इससे ऑफ कोर्स ये कमर्शियल मूवी है इसमें सॉन्ग्स है इसमें डांस है इसमें इंटेंस इमोशंस है जो आपने देखे वो सब तो है ही बट इसका एक बहुत ही रेलिवेंट मैसेज है बहुत ही एक सोशल मैसेज भी जा रहा है जो ट्रैफिकिंग के ऊपर ये मूवी बनी हुई है तो हमने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डाले हैं मूवीज़ में इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे जो सर ने बोला कि इंजेक्शन दिए जा रहे हैं बच्चों को और ये एक ऐसा दलदल है कि इसमें जो जाता है वापस आ ही नहीं पा रहा है इतनी विक्टिमाइजेशन हो जाती है उन सब की जो इसमें से बाहर निकलने की जो है यहाँ पे मैं बोलूँ कोशिश कर रहे हैं कोशिश तो खैर कामयाब हो ही नहीं रही इन लोगों की एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है इन सब के साथ ये बाहर निकलना चाहते हैं पर जो शेम इनको किया जाता है रिहैब नहीं दिया जाता है इनको तो सब फंस जा रहे हैं इसके अंदर और हमने यही जो है कॉन्टेंट शेयर करने की जो है पूरी ईमानदारी दिखाई है तो आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मूवी आप जो ट्रेलर में आपने एक्सपीरियंस किया है आई एम श्योर 10 times ज़्यादा आपको मज़ा आएगा ये मूवी देखने में ये हमने बहुत ही प्यार से दिल से बनाई है एंड आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें इसके लिए थैंक यू नहीं छोड़ा कर दें पहले ही हाँ थोड़ा अंदर ना फुल नहीं आ रहा ना फुल नहीं अच्छा पीछे वाले फिल्टर में फुल नहीं मिल रहा हवाई भी नहीं आ रहा फुल ओके चलो ठीक है यहाँ सामने क्या हो रही है क्या कोई मानिए तो कल कल फसल ठंडा मंडा है ना मैं क्या मैम यहाँ पे भी एक बार ओके सर सर नहीं मैम नहीं बाइट बाकी बाइट कर्नल बाइट कर ले मत कर दे जा कर जा जी किसने बोला ओके सर थैंक यू सर रोल करूँ क्या थोड़ा सा बूम पर लेना भाई शुरू करो या स्टार्ट एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन मेरा खुशी का ही था क्योंकि मुझे इतना इंटेंस कैरेक्टर दिया गया था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मुझे एक रोल निभाना था जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करता है इस फिल्म के अंदर सारा जो ड्रामा है और सारा सिचुएशन है वो इस कैरेक्टर की वजह से क्रिएट किया गया है सो ही इज़ द किंग पिन इन दिस होल मूवी एंड
उस कैरेक्टर की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो ऑफ कोर्स मुझे खुशी हुई थी कि सर ने मुझे चुना है और मुझ पर भरोसा किया है इस रोल को निभाने के लिए. मुझे सचिन सर ने गाइडेंस दी कि आपको बेसिकली ये कैरेक्टर प्ले करना है, और उनके इनपुट्स रहे मेजरली कि इस कैरेक्टर में उनको क्या क्या चाहिए. तो सारे रेफरेंसेस मैंने सचिन सर के इमेजिनेशन से लिए और कुछ मैंने अपने इमेजिनेशन से क्रिएट किए गए हैं. तो बेसिकली इट इज़ माय इमेजिनेशन एबिलिटी एंड मेरी जो बैक स्टोरी मैंने बनाई है कि ये कहाँ पे पैदा हुआ है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं. आई थिंक उस इनपुट की वजह से जो मैंने मन के अंदर डाले वहाँ से वो आउटपुट आ रहा है. एंड रेस्ट इज सचिन जी ने जो गाइडेंस दी मेरे को कि उनको कैरेक्टर में ये चीज़ें चाहिए. तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड मैंने ऑफकोर्स दैट मूवी इज़ वंडरफुल, बट उससे रेफरेंस कम है. बहुत अच्छी मूवी है. एंड कोई भी अगर रेफरेंस भी जा रहा है तो आई एम श्योर अच्छा ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मर्दानी पूरी तरीके से देखी नहीं है मूवी, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती कैसे अलग होगा. बट मैं इस मूवी के बारे में बता सकता हूँ आपको कि इस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा. सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं है, ये एक ब्रदर सिस्टर की भी रिलेशनशिप है इस कहानी में. ये एक किंग पिन कैसे होल्ड रखता है अपने पूरे ब्रॉथल सिस्टम में और पूरे ट्रैफिकिंग सिस्टम में, ये उस इंटेंस ड्रामा की कहानी है. आई थिंक ये रिलेशनशिप की कहानी है जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली सिया है डायरेक्टर साहब ने. आई थिंक आप अगर उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कहानी कितनी सुंदर है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इक्वल तवज्जो दिया है हर रोल को, हर कैरेक्टर को. जब आप कहानी देखेंगे एक्चुअल में, क्योंकि सब कुछ हम ट्रेलर में रिवील कर नहीं सकते, तो यानी समझ में आ जाएगा, सब सस्पेंस खुल जाएगा. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस में रखी हुई है ताकि आपको समझ में धीरे धीरे आए, अनफोल्ड होगी ये कहानी. और इसमें एंड में किंग पिन का भी क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है. आपको कहानी देख के समझ में आएगा कि बाकी जो रिलेशनशिप्स है कैसे अनफोल्ड होती है इस मूवी के अंदर. मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई. ओके, रेडी. ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलावा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी है, बट मेन हमारा फोकस उस बच्चे पे है. बिकॉज ऐसे आपने आई गेस लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि छोटी बच्ची के साथ कोई 60 साल का 70 साल का इंसान शादी कर रहा है. तो वो एक वो चीज़ तो हमने कवर की है. इसके अलावा हमने बहुत सारे ट्रू फैक्ट्स देखे, बहुत सारी रिसर्च की कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में. तो हमने इस फिल्म को कमर्शियल मूड में बनाया ज़रूर है, बट जो हमने चीज़ें कवर की हैं दे आर एक्चुअल फैक्ट्स. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बिजनेस, बूमिंग बिजनेस इन दिस वर्ल्ड. तो इसमें हमने सारा शूट इंडिया में ही किया है. पहला डिफरेंस ये है कि हमने सिर्फ इंडिया को ही अभी दिखाया है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है. हम बॉम्बे गए, बॉम्बे के कमाठीपुरा में, देन दिल्ली में रेड लाइट एरिया में सर की टीम गई, सारी रिसर्च की. मैंने खुद ने ऑनलाइन बैठ के बहुत सारी रिसर्च की, NGOs के देखे. तो डिफरेंस सब जगह सिचुएशन सेम है. और
और हमने जो दिखाया हमने देसी स्टाइल में थोड़ा दिखाया है, वहाँ पे थोड़ी फॉरेन लोकेशन में वो लोग चले गए, बस इतना ही डिफरेंस है। मैं इसमें पाखी का रोल कर रही हूँ, मेन किरदार है मेरा। मैं भी एक इसमें वन ऑफ द विक्टिम हूँ जो लाई जाती हूँ बाली के यहाँ पर, फिर वहीं पर ये बच्चे भी आते हैं जहाँ पर मैं उनसे मिलती हूँ और फिर हमारी कहानी बनती है जो क्या फिल्म में देखोगे। सचिन सर रेखा, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वो थिएटर से हैं तो मैं उनके पास, मैं एक्चुअली थिएटर के लिए ही गई थी। मैंने उसके साथ में उनके साथ में एक प्ले भी किया अमृता प्रीतम जी के ऊपर में, फिर उसके बाद हमने पाखी पे काम शुरू किया। एंड सर का प्री प्रोडक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कोई भी फिल्म अगर वो कमर्शियल भी बना रहे हैं विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट, वो इतनी रिसर्च इतनी वर्कशॉप्स करते हैं, प्री प्रोडक्शन हमारा इतना हो जाता है कि शूट पर जब हम जाते हैं ऑन शूट हम फील ही नहीं होता है कि कोई मुश्किल है, वी आर ऑलरेडी इन दैट मूड, बहुत फ्लो में शूट हो जाता है। तो सॉन्ग की कितने गाने हैं इसमें? 3 गाने हैं जो 2 आपने सुने ही हैं और 1 आइटम सॉन्ग। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लव द ट्रेलर बट आल्सो रिमाइंड अस ऑफ व्हाट पीस वी हैव ऑलरेडी सीन इन मनी एंड सेवा एंड शिवाय, व्हाट इज द डिफरेंस क्या अलग है? नहीं आई थिंक शिवाय तो मैंने देखी नहीं है, मर्दानी का मुझे थोड़ा जहाँ तक स्टोरी पता है। इस का ये कहानी सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ही नहीं है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल जर्नी है ब्रदर सिस्टर की जो इस कहानी के थ्रू हम दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद बाहर अभी तक आए नहीं हैं, तो कोशिश है कि उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें। और सिर्फ ये एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ही हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी दिखा रहे हैं जिसमें कैसे कोई एक उस पेन को दिखा रहे हैं जो वो लोग महसूस करते हैं जो फंस जाते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हाँ ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ये हो गया, उस कंट्री में ऐसा हो गया, उस स्टेट में ऐसा हो गया, लेकिन लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या पेन है, उस पेन को कहीं ना कहीं हम हाईलाइट कर रहे हैं। राइट, खास करके फिल्म मेकर हमेशा सॉफ्ट कर रहे हैं, संजीव भाई मतलब संजीव रेड़ा भंसाली सीधे को वाकई में जब हम कोई सीन पिक्चराइज कर रहे हैं सीन में टीजर में अगर स्मॉल कलर से टीजर अगर 60 ईयर बाय ड्राइव बच राइट राइट उन बातों का कितना ध्यान रखा गया है ताकि सेंसर में परेशानी ना हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी धार्मिक संगठन उनके विवाद खड़ा कर दे कि ये आप इस बच्ची को लेकर गलत ना। तो हम ये शूट हमने जब प्लान किया तो सबसे पहला जो मेरा मेरी ज़रूरत थी वो थी एक ऑथेंटिक हम सिटी मेंटेन करके कुछ एक प्रॉपर तरह से दिखा सके। उस टाइम में ना तो मेरे माइंड में था कि हमें उसके बारे में सोचना है या सेंसर के बारे में सोचना है, कोशिश है कि जितना हम रियल हो सकते हैं हो। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि फैमिली साथ में बैठ के देख रही हैं या टीवी पर ये फिल्म चल रही है या थिएटर्स में मूवी चल रही है तो सब साथ में बैठ के देख सकें और मैक्सिमम लोगों तक हमारी मूवी पहुँच सके। तो एक जैसे आपने अगर ट्रेलर में देखा होगा तो हमने बहुत ही एक लाइक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमारी टीम को, चाहे हमारे वो DOP हो चाहे कोई भी हो, तो हमने उसी तरह से इसको शूट किया है कि आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें मूवी को। ओके, एक बात का यू नो राइट क्योंकि कहीं ना कहीं जो डार्क एलिमेंट्स हैं, अगर आप पाखी देखिए, पाखी हम दिखा रहे हैं, एक कहानी दिखा रहे हैं एक इंसान की जो लोगों की जो फंस चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डार्क एलिमेंट्स हैं जो हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हो रहा है चाहे वो हमारी कंट्री में हो रहा है चाहे कहीं बाहर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सबसे बड़ी जड़ है इस पूरे ट्रैफिकिंग की, इस पूरे जो सिस्टम जो प्रोसेस है, तो वो बहुत ज़रूरी है वो दिखाना उस डार्क एलिमेंट को, उन एलिमेंट्स को जो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, जो जड़ है, जो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। हाँ अभी मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब न्यूज़पेपर में एक मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी। being a citizen of India, what's your name?
आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आई कैन द वे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज मे बी लाइक एज अ फिल्म मेकर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट दिस थ्रू दिस फिल्म. मतलब एक फिल्म के थ्रू हम एक मैसेज भी नहीं बोलूँगा, कुछ इश्यूज़ हैं हाईलाइट करना चाह रहे हैं. मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी जनता के अंदर उतना ज़्यादा हम शायद इसका कुछ सोल्यूशन निकाल पाएँ. बाकी तो हम प्रे कर सकते हैं कि फिल्म को सही टैक्स फ्री होना चाहिए. आई होप वो इस फिल्म को देखें और टैक्स फ्री करें. दिल्ली में ही क्यों, पूरे इंडिया में इसको टैक्स फ्री होना चाहिए. बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से इस मूवी को बनाया गया है. मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग देखें और हमारी फिल्म को टैक्स फ्री भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. थैंक यू जी. मेरा नाम शिवांग माथुर है एंड मैं एक साल पहले मुंबई आया था सिंगर बनने. देन सडनली सचिन गुप्ता सर से मुलाकात हो गई. देन अभी मैं बहुत कंपोज कर रहा हूँ उनके फिल्म्स के लिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं फ्यूचर में जो आप सबके बीच में बहुत जल्द आएंगी. जी इससे पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब सिंगल्स एल्बम इंडिपेंडेंट एल्बम्स बहुत सारे करता था एंड मैं कुछ कंपोजर्स को असिस्ट भी किया है यहाँ पे जो इंडस्ट्री के कंपोजर्स हैं एंड मेनली मैं बहुत सारे लाइंस एंड सिंगल्स एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही किया है यूट्यूब पे मैंने. जी सब हर किसी को एक मतलब राइट मैंने मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब बहुत राइट टाइम पे राइट इंसान से मिलना सबके लिए बहुत लकी होता है. तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मतलब मैं सचिन सर से मिला. देन ये मेरे एक अच्छा पुश है करियर के कि आप मतलब एक यंग एज में एक फुल फीचर फिल्म करो जिसका पूरा फिल्म का म्यूजिक ही मैंने पूरा किया हो. तो मैं बहुत लकी मानता हूँ एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड विद मी. जी सबसे पहले सचिन सर ने मेरे को यही बताया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर एक फिल्म वो कर रहे हैं एंड तो जैसा उन्होंने मेरे को बताया मैंने लिटरली मैं उन कैरेक्टर्स को जिया हूँ. मैं उन्होंने बताया कि एक छोटी सी बच्ची है उसको ज़बरदस्ती 10 साल की बच्ची का एक 60 साल के इंसान से शादी हो रही है. तो मैंने लिटरली वो कैरेक्टर जिया है एंड इनमें इस फिल्म में एक गाना है अंधेरे जो प्रतीक्षा की वॉइस में था. मैंने वो गाना रात को 3:30 बजे करीब कंपोज किया था. मैं उस टाइम नींद में था तो पूरा गाना नींद में करा अगले दिन उठ के उसको पूरा एग्जीक्यूट किया सुबह. तो इसी तरीके से पूरा चला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैंने इस फिल्म में 3 गाने गाए हैं. हाँ, गुम है कहाँ जो पाकी का जो थीम है वो गाया है मैंने. गुम है कहाँ का एक डुएट वर्जन है जिसमें मेरे साथ एक छोटी 12 साल की बच्ची ने भी गाया, दिति ने, एंड अंधेरे वो भी मैंने गाया. हाँ जी, एक्चुअली मेरी जो फैमिली है पूरा म्यूजिकल बैकग्राउंड है. मेरे पापा का स्कूल है म्यूजिक स्कूल, पापा मम्मी एवरीवन इज़ इनटू म्यूजिक. तो इनहेरिटेंस कह सकते हैं आप इसको. बहुत लेट जाके रियलाइज़ किया. एकेडमिक्स में भी बहुत सीरियसली मैंने पढ़ाई की है बट बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक में ही करियर बनाना है. तो मैं बस कुछ महीने पहले मुंबई शिफ्ट हुई. मैं लिटिल चैम्प्स में भी आई वॉज अ कंटेस्टेंट, आई वॉज टॉप 5 कंटेस्टेंट. उसके बाद ही रियलाइज़ हुआ. तो तब से अभी फिर सचिन सर से मिले तो ही लाइक माई वॉइस तो ही गेव मी 3 सॉन्ग्स इन द मूवी आउट ऑफ 4 सॉन्ग्स. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कांच की वो कली ढूंढे है घर, मुझे ढूंढे मेरी गली सोना पड़ा क्यों अंगना जाने हम गुम है कहाँ गुम है कहाँ.